जी 8:10 हो चुकी है। हाई ऑल डूइंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी एंड एंजॉयिंग वेयर एवर यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बुधवार का दिन रहने का, बहुत बढ़िया दिन रहने का। हेजल को सिर्फ दो ही दिन स्कूल पे जाने का है, आज और कल, और उसका गणेश विसर्जन का छुट्टी होगा, हम मचाएंगे। उसने रिक्वायरमेंट डाल दी है कि डैडी मेरे को बीच पे लेके जाने का, तो जाएंगे लेके और कुछ एंजॉय करेंगे, जितना हो सके उतना मचाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पापा का सोई चाय पे ले लेते हैं। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सा सन निकल के आया है आपके ऊपर, धूप निकल के आ रहा है। हाँ, तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, रहम दिल उसे कहा जाता है हाँ, जो निर्बल हाँ, को हिम्मत और बल देता है हाँ, उसको रहम दिल कहा जाता है। तो यही है आज का सुविचार, यही है। रहम दिल वो होता है जो निर्बल को बल और बुद्धि और शक्ति दे, जो भी है हाँ। तो अपना दिल एकदम रहम दिल रखो, ठीक है, और आगे बढ़ो और बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहो और मजा करो और करवाते ही रहो और जलसा करो। क्या बोल रहे भाई? निर्बल को हिम्मत और बल देते हैं। पापा समझी गयो, पापा एक बार मा समझी गयो, एकदम निशानो तीर नहीं जम भाई, सॉरी हाथ दुखते है मेरे को। आओ बेटा, पहला तो के गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और ये तूने क्या किया है? ये देखो, कल हेजू ने कैंची लेके अपने बाल खुद काट दिए है। हेजू आओ करवानो बेटा, है रे थूक गई जो पकड़ी जाए, जो बाल दिखाई जाएगा। अब उसकी जब पकड़ा जाती है ना चोरी, तब छुप जाती है अपने आप। हेजू देखो ऐसी है, तो कल तो पूरा वो जम गया है। और यहाँ पे अपने केजीएफ गुड मॉर्निंग, केजीएफ मच्छर, केजीएफ गणपति बापा मोरिया, पूरे सूरत के सब गणपति बापा का पूरा परफेक्टली फोटो आयला है। वही देख रहा हूँ, वही देख रहा है ना। क्या है आज नवीनता में? नवीनता में कुछ नहीं है, तो अभी हॉल में साफ सफाई हो रही है, तो आप पापा और हार्दिक भाई तीनों थोड़ा साइड में रहना, तो लेडीज लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। ओके, समझ गया। तो हॉल में काम हो रहा है, कुर्सी वुर्सी सब आ रही है। चलिए, तो अभी मम्मी किधर है? मम्मी को भी पूछने का। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। नाइटी पहन के रेडी? रेडी। क्या है आज? बस हॉल सब खाली हॉल करवाना मम्मी, जे था एकलो करवानो छे, जे थाई करवानो छे। अच्छा, खाली हॉल, पहला खाली हॉल करवानो छे, અત્યારે તો ચાલુ કરવાનો છે પેલો રૂમ। ઓકે મમ્મી, એન્જોય કરો, મારી કઈ જરૂર હોય ને તો મને કહેતા નહીં, હું મારું કામ કરું। તો તમને ખબર જ છે, તમે રોકો એમ જ છો કરવાનું। મમ્મી આજે સવારે મેને હું કીધું, મેં કીધું જયદીપ મને ફાકો હું મારતો, ખબર છે કે ડિલિવરી પછી છે ને હેજુનું બધું કરીશ, મેં તો આજ નવડાવીને રેડી કરી દીધું ટ્યુશન માટે। હા ટ્રાય થઈ જશે, તો કે મને પોટી લાગી એ પેલા થાય, એને કઈ કામ સિંચ્યું એટલે પેલા પોટી આવી જાય, પછી ત્યાં જઈને ફોન લઈને બેસી જાય, એક કલાક બેસે પછી બહાર નીકળશે। મમ્મી એને લાઈફ એ તો એની ખાસિયત છે। चलिए, तो अभी कांदा कट रहा है, आज तो बटेका पौवा खाने का है, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, हूँ बनाई दू बटेका पौवा उससे पहले ही दिवाली का डेकोरेशन करके जाना, भरोसा नहीं किसी का। अभी व्यूअर्स को भी भरोसा नहीं है तो बीवी तो कैसा भरोसा करेगी यार। यार ऐसा नहीं करने का यार, मैं करेगा, दिल से करेगा और मचाएगा, पूरा मचाएगा। ठीक है, वीडियो मजा आ रहा है ना तो लाइक कर देने का है पहले ही। अपने को ये वीडियो को 10,000 लाइक्स पे पहुंचाने का है, तो 10,000 लाइक कर दो ये वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, आजू बाजू वालों को फोन पकड़ के सब्सक्राइब कर दो और मचाते रहो। ठीक है, चलिए। और भाई और बहनों, मेरा जो ये नया इक्विपमेंट आया है उसका अनबॉक्सिंग होने वाला है आज, तो मेरी जो दूसरी चैनल है ना उसके अंदर मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो डालने वाला हूँ। इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो लोग देख लेंगे, क्योंकि मैं उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का थोड़ा नॉलेज भी देता हूँ, तो उसमें है। ठीक है, तो जी बटे का पौवा रेडी हो चुके हैं, बहुत बढ़िया वाले। मम्मी को तो मजा आ गया है चख के, अब कहीं नहीं नाखती, वो बहुत सरस बिना छे। यहाँ पे सारिका जी सबको सर्विंग करेंगे। सारिका जी एक सवाल है, पूछ लूं? पूछो। कल जो चप्पल का धोया था आपने, उसका बहुत कमेंट आया है, कुछ बोलना चाहते हो आप दर्शक मित्रों को? बस चप्पल बहुत लोगों को हंसी वही बात पे, चप्पल भी धोने तो पड़ते ही है ना, वॉशिंग मशीन में डालने के है। वॉशिंग मशीन में उसके अंदर कितनी मिट्टी होती है, वो मिट्टी सब वॉशिंग मशीन में फंस जाए ना, बाद में हम कपड़े वॉश करें तो वो सब इधर का उधर ही रहता है। इधर का उधर हो जाने के लिए उसने वॉशिंग मशीन में नहीं डाला, समझ रहे हो? मोटिवेशन ऑफ द डे। तो जी सुबह के बच चुके हैं 9:30, और दिखाता हूँ आपको अपडेट हमारा अभी का क्लीनिंग प्रोसेस का। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मम्मी देख लीजिए, ये सब पर्दे लग चुके हैं, फिर इसको जाएगा उधर, क्या बोलते हैं उसको,
आयनिंग में, और यहाँ पे सारिका जी थोड़ा आज कंट्रोल करके काम कर रही है, बिकॉज उसको पता चल गया है कि अभी बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देने की है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, अभी चालू हुआ ही है, आप ना तो क्या गए, तो अभी आप मने लाभ देवान जरूर छे ज नहीं, कारण के मैं लाभ लई लीधो छे, बराबर छे। मैं आज बहुत कम काम करेगा पर थोड़ा कम करेगा, क्योंकि गर्मी आज वापिस से बढ़ गई है। कल इतना गर्मी नहीं था, कल थोड़ा ठंडक जैसा था, आज थोड़ा गर्मी है, तो आज कम काम करेगा मैं, ठीक है। चलिए अभी हेजल का वेट करेंगे, हेजल आएगी तब मचाएंगे, तब मचाएंगे, जयदीप नहीं जो मचाएंगे। जयदीप को एक ही काम पसंद आता है, दोपहर को बोलते सर क्या, बोलो अब क्या काम है, मैं बोलती हूँ ना हेजू को लेके सोच, हाँ हाँ चलो चलो, वो काम जयदीप को बहुत अच्छा। शूज का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ लगता है। ओ माय गॉड, ये क्या है सारिका, ये क्या है, ये भी धोने के है क्या? आज धोने के नहीं, फेंकने के है अभी। केम केम हूँ जयदीप, राखी ना मारो थानु करू यार, फेंकता ही नो आवड़े यार, राखी मु के बता खाना में प्रो लेवल है, प्रो लेवल जो तो आने हूँ रखे शोपीस में मुकवाना है। अरे उसका अथाना बनेगा ना, खाल कचरा डोक में। सॉरी सारी क्या यार, मेरे को नहीं पता था ऐसा हो गया है वो, वही तो बात है, पता नहीं रहता वो। चलो कोई बात, इसमें से धोना तो थोड़े ही है, फेंकना जाए जितने हो सके उतने फेंक ही दो। चलो फेंक देते हैं, और आपको नो पहनना हो वो वाड़ी पे जाने दो, तो वहाँ पे भी कोई तो पहना सर, यहाँ पे पड़े पड़े हट जाएंगे, हजी ऊपर नु खानु भर अने हजी बॉक्स वाला तो हार्दिक बहन बेड भर लो। यार इतने सारे शूज हमारे घर में है, मेरे को तो पता ही नहीं, अभी ऑनलाइन मंगाओ, सेल चल ही रहा है, मंगाओ मंगाओ। सॉरी सारिका, माय बैड। जब काटो नो पे, पहला तू धो પછી આપણે ફેક। બેતા તો છોકરા મોટા થઈ ગયા, બચ્ચે લોક કા તો ખજાના ઇધર દેખ લીજીએ, ઓ માય ગોડ, જે જના પાડીએ છે જાવને સારી કા, આટલા બધા ચપ્પલ તો જિંદગી માં કોઈ ના ઘરે નહીં હોય, આમ જોતો કરે બધાને હોય, પણ ફેંકતા જતા હોય તો જેદીપ મને એમ થાય કે જરા તૂટી ગયું, આપણે નથ પહેરવાન, જવા દેવાય, રાખો ને હું કરાવશું। ये क्या है बे, आओ लेको जे आ स्विच મોટર ની છે કોઈ પાડવી નહીં। અચ્છા ગુજરાતી તો બહુ પ્રો લેવલ લખા હે, સ્વિચ કે ઉપર સ્ટીકર મારના કોઈ ઇનસે શીખે, ક્યા બાત, શીખે શીખે ને, હા તો મોચી કો સાથ લેકે યહાં પે બિઠાયેંગે રિપેર કરવાય, ઉસસે પહેલે આ ફેંકી દો પ્લીઝ। सही बात है, अगर पापा आ गए ना तो ये वो तो चलेगा, ये चलेगा और चलेगा और चार पांच साल चल जाएगा। चलो फेंकते हैं, चलो जितने भी फेंकने वाले ना वो सब फेंक डालते हैं। अटला रूपाड़ा शूज बड़े खोखम रखे, शो स्टॉपर पार्टी वेयर फेंकने का यार, हम जोत कर यार, लीरे लीरा। तो जी मम्मी मम्मी को हमने आमंत्रण दिया है देखने के लिए, ये देखिए इस बार मैंने स्ट्रिक्टली जयदीप को बोला जो नहीं चाहिए वो फेंक ही दो। हाँ। मम्मी तुमने बताओ, हम जो तो राइट है जो अनोल ओलुत बताओ वणी एन खोखम राई અહીંયા ને મમ્મી થોડીક નજીક આવે ને લાઈટ આવે, થોડીક આય થોડીક આય, નાખવાનો દે પહેરવાનો દે, પહેરે નહીં ના, ઈ રેવા ઈ હારા છે। પિછલી બાર મેં એને સાફ કિયા થા ના, તબ મેને બોલા પપ્પા એ ફેંક દેતી હો, પપ્પા કે નહીં મેં તો ઓફિસ પહેન કે જાઉંગા, પપ્પા યહાં સે નીકળે ઓર નીચે તક પહોંચે ના તો ઉસકે તળે યહાં પર રહે ગયે, બોલા થા નહીં જો રાખવા છે તો રાખવા હે, હટ જાતે ચપ્પલ દો સાલ મે જો તો કે ખોખા હોય થડી ગયા, આમ જોઈએ ખોખા હોય થડી ગયા, મમ્મી બડી ખોખા માં રાખે, ઓ માય ગોડ ખોખા હોય થડી ગયા મમ્મી, હું તને કહું છું દો દિન તો સિર્ફ ચપ્પલ સાફ કરને મે નીકળ ગયે, પૂરા ઘર લીધા કરો તેમ જ થાય ને, નકર લેતા આવડે પેતા આવડે છે મમ્મી, અભી ઉપર ખા તો બાકી હે, હો નહીં નીકળી એ તો નહીં ખબર છે, આમ જો એ આમ જો દેખાયા દેખાયા, હવે આદિક ભાઈ કે બેડ પર બી હે, એન બેડે ફેર્યો સડતો, એક એમ કરો ને એક આ દુકાન નાખ દ્યો, હવે છે ને પાંચ વાર કપડા જ નથી લેવાના, કોઈ કપડા નહીં, બૂટ બોપડા ગઈ, મમ્મી ભી બોપડા ગઈ, મને જોતા ફેંકો। શૂઝ ઓસ્ટ્રેલિયા સે લિયે થે મેને, વો અભી તારીખ ડેટ કા સે વો નહીં મુજે જાનના, એ નાઇકી, યે ભી ઓસ્ટ્રેલિયા વાલે હે, ये 10-10 साल पुराने शूज है, 10 या 12 साल, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो पहन लेना, ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं जाने का, रखवाना चाहोगे, हार्दिक ने पूछो पड़े, कारण के हार्दिक पहले ये कोई रही हो अपना एक बट में खोसा उसे उसको जाने दे, वो शूज नहीं जरूरी है, वो वाले रहने दे, ये वाले फेंक दे, वो वाले ऑस्ट्रेलिया वाले है ना बहुत महंगे है, वो बहुत ज्यादा महंगे, ये $250 के शूज है, तो आगे शोपीस में मेन दरवाजे रखा है, एम चलो अभी नेक्स्ट आ जाइए,
ये भी फेंक डालो। नहीं ये तो अच्छे है यार, ये करियाने नहीं नाखवा दे मने काई। हर साल ऐसे ही करते हैं, नाखने भी नहीं देते। हाँ ये भी अच्छे है, ये तो बहुत बढ़िया है यार, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। रेड टेप ना चाहिए यार, रेड टेप ना तो कहीं ना था सारी का। चलो ये फुग्यू है ना वाली जाए कि फुग्यू वाली जे गुच्ची में गुच्ची वो मोटी कंपनी में ने फुग्यू वाली जाए एक लेने जाओ फुग्यू वाली। वो चप्पल जाने दे, वो फट गए है इसको। हां फेंक दे, उसका कोई काम नहीं, वो पहनती भी नहीं है। हार्दिक भाई लगन में पैर से आई लव ये मोजड़ी लगन में पहनने के लिए फेंकी की गुगड़ू वाली। हां तो गुगड़ू वाली सोल नव नाखी दे तो सारू थी जाए, पाछू इसमें भी निकल गया। देख एक मिस्त्री ना राखो ना अठवाडियो, मिस्त्री मिस्त्री फर्नीचर करे हूं। हां अन राखो जा दो એને રાખ, આ સારું છે, અરે વાત આનું બીજો ભાગ ક્યાં છે, એક જ કેમ છે? ચલીએ આમાં તો એટલા ભંગાર છે ને, હર વખત મને આ મુકાવ છે, આ વખત જો ફેંકી દે ફેંકી દે ફેંકી દે, એ બહુ મોંઘા હતા સરી કા, એ ઓસ્ટ્રેલિયાના છે રિયલી માં કહું મેને યાર, મેં ઓસ્ટ્રેલિયા મેં મેરે શૂઝ કા ઇતના અચ્છા કલેક્શન થા, અભી મિસ હો રહા હૈ, મેં પહેનતા ભી નહીં, મેરે ટાઈમ નહીં મિલતા એસા પહેનને, તમને ગમે ને યહાં મઢાઈ આવો, અહીં મૂકશું મઢાઓ કાચની ફ્રેમ કરાવો। हार्दिक भाई लगन में चलिए तो हाँ ये रखो। हार्दिक भाई लगन में शॉपिंग काय नहीं करू, घणो नहीं करू। आप अपने लगन में पहन के आए थे ये हाँ, ये मेरी शादी का है, मेरे शादी के दिन मैंने ये पहना था, सारिका को वरघोड़ा में गया था ना मैं जब, तब ये पहन के निकला था। देखो उसका तो रुछड़ा रुछड़ा निकल गया, यहाँ पे न खा देंगे। हाँ तलियो झूठो पड़ी गयी, दसवीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तब पहन ले। ओके ओके चलिए कुछ करेंगे ठीक है। आप पापा पहन ले, पापा से आवी शेरवानी। हाँ ये पापा के लिए है, हार्दिक के लगन में, हार्दिक ना लगन ने मोजड़ियों थी गई अत्यार थी बराबर, खर्चो दूध करवा। हार्दिक भाई ना लगन की तैयारी वो हारी थवा मड़ी यार तारीका है, तो ही फेंकी लियो फाटी गया छे, अच्छी अच्छी कंपनी के नाइकी के बहुत ज्यादा निकले है। आज केवा चमके जयदीप, चमके चमके जन तळियो जो जो आम जो आ वेसवा वेसवा वाला येवा ना लेवा वाला येवा। एक बार पेरा था लगन में मुकी दीदा से जो तळिया बाद निकली गयो बधी। ए मम्मी ये लगन में बस तणे बाप दीकरा मोजड़ी नहीं ले, मोजड़ी बद्दी थई गई हार्दिक ना लगन नी कोई पेरवान नहीं, मन बद्दी खबर छे तमारी। चप्पलों का सिलसिला बहुत बढ़िया रहा, पर आई थिंक अभी भी अभी अभी आई रहे खाड़ा 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 अभी भी निकल ही रहा है। देखो ऊपर का खाना खाली हो रहा है, मम्मी क्या हीरो पड़ी गया, हासो लागे ईन वाली मोजरी में निकलो हड़ी गई ने डायमंड छूटा पड़ी गया। तो जी 12:10 हो चुकी है और आई थिंक भाई और पापा पधार चुके हैं ऑफिस का काम फिनिश करके। वैसे ऑफिस पे भी दिवाली काम चालू हो गया है, वो बताऊंगा एक दो दिन में आपको जो फिनिश हो जाएगा तब। पापा आ चुके हैं, पापा भी निरीक्षण करके बताएंगे क्या है क्या नहीं है। बता दीजिए ये कैसा लगा अपना ये नया जो खजाना खोल के रखा है वो तारा बूट तो पूरा जूते के दुकान खोल दो ચંપલ બાર નો આવે એને ધોવાના છે કેવું હાલે મમ્મી બહુ સારું હાલે એ ધોવે છે અમે કીધું બહાર જાઓ થક ગયે और एक बहुत बढ़िया सा मोदी साहब ने अपडेट कर दिया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने और नितिन गडकरी ने एक बहुत एकदम चाका जाम निर्णय ले लिया है। हाईवे के ऊपर फोर व्हील लेके चलोगे तो सबको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा, अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है मैंने पढ़ा है। तूने भी नहीं पहना था, लाला ने भी नहीं पहना था पीछे। हाँ तो अभी पहनने का है, अभी रूल पहनने का है, वो गुजर गया ना वो भाई। हाँ आजकल हमारा डाइनिंग टेबल के चेयर गायब हो गई है तो सब लोग ऐसे नीचे बैठ के मचा रहे, मचाने का है। और यहाँ पे मम्मी ऑलवेज मेरे ऊपर ताड़ुकती ही रहती है, मम्मी मैं हूँ कह रही हूँ तुमने ई के तू एम के तुमने थाक लागे से तो तुम काम न करता हो तो कौन कर जाए जल्दी तू कितना एम नहीं था काम वाला रखा क्यों हमने क्यों रखे है काम वाला रखे ने हाँ हिंदी में बोलो तो यारे रेव पड़े केम रेव पड़े भाई बस तू ई बाहर निकल जाए ना पछी मार जो जाओ ने तोड़ दू बाकी रही गयो तो एम नहीं ये जो अच्छे अच्छे घर वाले बड़े बड़े लोग जो रहते हैं जिन लोग काम वाले चार चार पांच पांच बुलाते वो लोग काम छोड़ के मतलब घर का काम छोड़ के या फिर धंधा छोड़ के काम वालों के बाजू में खड़े रह के दिखाते हैं कि ये करो वो करो। मेरा ये कहना है बस, मैं ऐसे ऐसे मैं डिबेट करना चाहता हूँ। सब सबका अलग अलग विचार होता है एम हाँ मैं ये नो फावे मार करा ऊपर आ रहा है एम हाँ
अच्छा पछमांदी पड़े ते 15 दिन हुई रे। मैं मेरा कहने का मतलब वही है, काम करो पण मांदा न पड़ो। काम થઈ જાય ને પછ કેવો આરામ મળે, જેટલો આરામ કરો એટલો થાય। મેરે કો એસા લગતા હે ઘર સાફ હોગા ના ઉસકે બાદ તો મે પાગલ હી હો જાઉંગા પૂરા। પાગલ તો હો કેમ થા, કામ મે કરીને તું પાગલ થા એમ નહી, મને આમ વિચારી વિચારી પાગલ નહી એવું કરાય નહી। તારે હમુને આમ જીગર અપે હાલો કરો કામ હું કરાવા લાગુ એમ કે। ઓર સારિકા કે ઉપર તો ઇતને સારે મેસેજ આ રહે કમેન્ટ ભી ઇતને આ રહે, સારિકા કો કામ મત કરવાઓ, સારિકા કો આરામ કરવાઓ। સુનતી કહા હે કે પાસે જો કામ કઢાના હે ને તો મુજે એક આઈડિયા મિલ જાય। सुबह सुबह क्या हार्दिक भाई के रूम से मैं सब कुछ निकल रही थी ना, तो मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे आप ऐसे ही मैं चुपचाप सब कुछ करने लगी, तो इतना गुस्सा आया ना अकेले पूरी गद्दी निकाल के मम्मी के रूम में डाल दी। બટો બની જાવ, બટો તમારો વજન વધી ગયો હશે તો મેંને મેરા વજન કિયા દેખો ઇતના આયા હૈ વજન, બહોત જ્યાદા બઢ ગયા હૈ, બહોત મતલબ એક્સ્ટ્રીમલી પ્રો લેવલ વજન બઢ ગયા હૈ। ઓર યહાં પે કેજીએફ બહોત મહેનત કરતે હુએ, સોફો તો કેજીએફ જ કાટે, એના જેવો કોઈ નો આવડે કાટતા, સોફો બહુ તોડ્યો ને મેં, ક્યોંકિ જ્યાદાતર વહી બેઠતા હૈ જેવા તાર દે હૈ કાટે। મમ્મી બપોર જમવા બેઠા ને એટલે બહુ ભૂખ નથી, અમાર 3 ડીશ બટેકા પૌવા ખાઈ ગયા અને કાશ તમે પ્રેગ્નન્ટ હોત ને તો તમે પહેલા મહિને આરામ કરત ને। અરે બિંદા 4-5 કામ વાલી રખે અપન મરમ, જ્યુસ બુસ પીને કા ખાને કા આઈસ્ક્રીમ ખાને કા ચક્કા ચક કોકો વોકો પીને કા ઓ લોચા વોચા ખા કે મસ્ત સે સિરીઝ બિરીઝ દેખને કા મેરા વો હોતા આમ જો મારી આમ। હવે મ કઈ કામ ન હોય તો બેહ બેહ બે આઈ મર હમ ઓલે। અરે યાર હું રૂમ માં જઈને બેહ, નકર અહીં સોફે બેહ, મન હમ હોય તો કામ સીન દે नवरा नहीं बैठने का। तो जी शाम के बज चुके हैं 6:30 और यहाँ पे सारिका और हेजो मचाने वाले हैं। यहाँ पे नीचे लिखने वाले हैं लाभ शुभ और दिवाली का सब डेकोरेशन होने वाला है ये छोटे छोटे पत्थरों से। आमा जी तने क्या मार्बल बहु गमे बेटा? व्हाइट मार्बल यू लाइक वेरी मच। મમ્મી આ મારું પટેલ લખવાનું, પટેલ નહીં હેઝલ પટેલ, ખાલી પટેલ નો લખાય, ખાલી હેઝલ લખાય, અહીંયા એડ્રેસ નો હોમે લા પડે લખું ને મારું નામ, ત્યાં લખ્યું છે તારું નામ ખાલી, ત્યાંથી તો કાઢી લીધું જો, ત્યાંથી મારું ત્યાં સ્પેલિંગ લગાવવાનું અહીંયા મારું PATEL પટેલ, ક્યાં હેઝલ લખવાનું અને અહીંયા પટેલ લખવાનું, અહીંયા સોસાયટી ને એડ્રેસ લખી, હા ભાઈ એવું કઈ કરશું એટલે અલગ અલગ થઈ જાય બરાબર ને બેટા। ઓર આજ રાત કો એપલ કા ઇવેન્ટ હોને વાલા હે, બહોત હી એક્સાઇટેડ હું, બહોત 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 જ્યાદા, ક્યુંકિ હર સાલ સપ્ટેમ્બર મેં એપલ કા નયા ફોન નયા લેપટોપ નયે સબ ઇક્વિપમેન્ટ આતે હૈ, તો એપલ કા ફેન હું મેં, ઓર મેં એપલ કે ફોન યુઝ કરતા હું બહોત ટાઈમ સે, જબ પહેલા ફોન આયા થા ના ઓર ઉસકે પહેલે જો આઈપોડ થા જો હાથ ઉંગલી સે ઘૂમતા થા, તબ સે મેં એપલ કા ફેન હું, તો સબ એપલ કે સબ ફોન ઓલમોસ્ટ મેં યુઝ કર લીએ હૈ, દેખતે હૈ અભી ઇસ સાલ એપલ ક્યા લેકે આતા હૈ। ઓર યહાં પે કુર્સી વુર્સી સબ લગ ચુકી હૈ એકદમ ચકાચક ઢોકે, એ મામા આ જોગે મામા, ઓ મામા ઘણા ટાઈમ મે મને વિડિયો માં લેશો કે નહીં, એવું એવું જ છે રોજ તમે આવો તે તમારે કહેવાય કે ભણા કેમેરો લઈને આવે તો હું આવ્યો એમ, શું છે માર્કેટ શું કે દિવાળી નું, પોપટ 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 આપડા દાદા હતા, પોપટ દાદા હતા, પેરોટ થઈ ગયું છે માર્કેટ, તો કેમ થાય દિવાળી હારી નહીં જાય, બધાને પ્રોત્સાહન કરવા જોઈએ દિવાળી આવે કે કામ ફટાફટ કરો, બધાને કેમ મને પ્રોત્સાહન કરે એમ।
मम्मी मामा तो निकल रहे हैं, मामा बाय बाय मामा, मजा आ गई। अभी मम्मी का भजन का टाइम आ गया। मम्मी आज का भजन बोल दो क्या है। पहले तो कानो माखन खावा जाए से पाड़ोसन ने घेरे जाए से एम। हां सरस गाय ना खालो। हां पाड़ोसन ने घेरे जाए से बाण उगाड़ा હોય એટલે ગરી જાય છે એમ અને ઢોળી ઢળ વેખણ કરે છે। સરસ લ્યો કાના ભાઈ ને તો આજ મજા છે। હાલો ગાય નાખો। એ માખણ ખાવાનું મન કોને થયું રે મારી પાડોસણે ઘેર જો પાડોસણ ગયા છે સતસંગ મારે મેલી ઉગાડા બાર જો ચાર પાસે ગોવાળિયા ત્રાટ ક્યારે મારે પાડોસણે ઘેર જો એ રેડાયો ઘડાય ના બારણા રે ઢોળા માખણ ના માટજો ખાધા નથી ને કુંજા ગારિયા રે મારે પાડોસણે ઘેર જો રમી ભમી પાડોસણ આવ્યા રે ઉગાડ્યા એના બારજો એ કોણે ઉગાડ્યા મારા બારણા રે કોણે ધોળ્યા માખણ જો નંદ બાવાનો બેટડો રે ઓલો કૃષ્ણ એનું નામ જો એણે ઉગાડ્યા બારણા રે મારા ડોળા માખણ જો ગોપી ચાલી સે રાવ કરવા રે જાઈ જશોદાને ઘેર જો માખણ ખાવાનું મન કોને થયું રે મારે પાડોશને ઘેર જો ઘણું મોટું છે। વાહ મમ્મી વાહ, પણ અડધું ગાયું છે ના પણ સારું ગાયું, જેટલું ગાયું એટલું મજા આવી ગઈ। પાડોશન ને ઘેર લૂટી લૂટીને માખણ ખાવા જાય કાનો। સરસ સરસ, આજ તો મમ્મી પણ નામ એકદમ, તું આટલું બધું કામ કરીને આટલી બધી ફ્રેશ કેમ છો મને સમજ નથી કેમ છું। ભાખરી ખાય ખાય એટલી સારી એનર્જી આતી કા છે મમ્મી। ભાખરી ખાય ખાય, ભાખરી ખાય ના આવે ને। ઓકે સરસ સરસ, ચલો બીજું કઈ તો ખાવા દે તો તું ભાખરી જ ખાઈ। હા સરસ, વેરી ગુડ, ચલો એન્જોય કરને કા। અભી શાકભાજી લઈને જાને કા, તો મમ્મી કો લેકે અભી મે જાયેગા શાકભાજી લઈને નીકળી। આજ કા વિડિયો યહી પે હમ એન્ડ કરેંગે। લાઈક કરકે શેર કર દો, કમેન્ટ કરકે સબસ્ક્રાઇબ કર દો, કન્ટિન્યુ કરેંગે હમારા ક્લીનિંગ કા સફાઈ કા કાર્યક્રમ।